नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पड़ाव से मुगलसराय तक बन रही 6 लेन सड़क का लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे। तो इस वक्त हम लोग दोस्तों पड़ाव के पास है, और ये जो आगे आप रास्ता है यही आगे थोड़ी दूर पर आपको पड़ाव है, और ये आगे का रास्ता आपको ये मुगलसराय की ओर चला जाएगा, जिसका नाम अब बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है दोस्तों। तो आपको बता दें कि इससे सड़क पर मतलब हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, और मतलब आगे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं, और ट्रक जो है इस पार से उस पार जाते हैं, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा जो है ये जो रास्ता कवर करके दिखाएंगे कि इसमें जो 6 लेन का काम है इसमें क्या प्रोग्रेस हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पड़ाव शायद भी अब पूरा काम तेज़ गति से चल रहा है, और ये देखिए पूरा एकदम जेसीबी की मदद से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। तो ये देखिए, तो इधर साइड आपको ये लगभग 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है मुगल सराय पहुंचने से पहले तक, ये आपको 6 लेन का बन रहा है, और इसमें आपको बता दें कि बीच में डिवाइडर बनेगी जिसमें मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, खूबसूरती का भी ध्यान रखा जाएगा, और आपको इसमें फुटपाथ भी बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ आपको इसमें दोनों साइड 1.5 मीटर का चौड़ा नाला भी बनना है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये जो मतलब खुदाई हो रही है काफ़ी दूर तक हो रही है, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि दुकानें तो पहले ही से लगभग शिफ्ट है, जो भी छोटी मोटी दुकानें थी वो सब हट गई हैं, जो गुमटी उमटी ये सब लगे रहते थे। और बाकी आप देखिए ये काम काफ़ी तेज़ गति से इधर चल रहा है, पूरा तेज़ गति से खुदाई चल रहा है और दोनों साइड आपको काम हो रहा है। ये देखिए इस साइड भी उसी गति से काम चल रहा है, और काम जल्दी हो इसके लिए मतलब आपको कि बहुत सारी मशीनों को लगाया गया है। तो आपको बता दें कि यह जो है परियोजना में कुल 11 किलोमीटर की सड़क बननी है, और यह पड़ाव चौराहे से स्टार्ट होगी और मुगल सराय से होते हुए आपको गोधना चौराहे तक यह सड़क बननी है। और ये देखिए इधर साइड, तो पूरा ये एकदम काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये पड़ाव से गोधना चौराहे तक ये बनना है, तो इसमें पड़ाव से मुगल सराय तक के आपको 6 लेन सड़क बननी है, और जो मुगल सराय का जो मार्केट है उसमें लगभग 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो 4 लेन सड़क उधर बनेगी। तो अभी उधर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दुल्हीपुर से लेके पड़ाव तक में अभी काफ़ी तेज़ गति से ये काम चल रहा है, और ये जो सड़क है दोस्तों काफ़ी मतलब इसकी नीड थी, और इधर से मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाना होता है। तो मतलब ऐसा काफ़ी इंसिडेंट होता रहता है हमेशा कि लोगों की ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी जाम लगा रहता है इस क्षेत्र में। और आपको बता दें कि आगे कोयला मंडी जैसी पूरा वो रास्ता जो है वहाँ पर तो एकदम नर्क जैसा हाल बना हुआ रहता है हमेशा। तो इस रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो वो अपने शरीर में मान चलिए कि 1-2 किलो धूल लेके ही चलता है। मैं भी जब भी जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ते रहती है, और जो छोटे वाहन हैं खासकर जो बाइक चलाते हैं उनके लिए हमेशा खतरा मतलब रहता है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों, इतना धूल उड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो जिस वजह से यह रोड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ज़्यादा जाम होने की वजह से भी लोग इधर से जाने में मतलब कोताही बरतते हैं, और लेकिन उनको अगर मुगल सराय स्टेशन जाना है तो फिर इधर से ही होकर जाना होता है, और आपका एक वैकल्पिक मार्ग पड़ाव से रामनगर है तो उधर भी उसी तरह जाम की स्थिति बनी रहती है। तो लेकिन उधर भी अब देखिए दोस्तों 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, तो जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये समतलीकरण का देखिए काम चल रहा था। ये देखिए, तो अभी दोपहर के टाइम पे लंच ब्रेक हुआ है दोस्तों, तो मशीनें आराम कर रही हैं, मशीनों को भी दोस्तों आराम करना होता है,
ऐसा नहीं है, अगर वो भी दिन भर चलेंगी तो थक जाएंगी, आदमी तो थकते ही हैं। तो चलिए आपको अब थोड़ा और आगे ले चलते हैं, और आपको अब अपनी मैं स्कूटी से इसके आगे आपको पूरा राइड करके दिखाऊंगा कि आगे का कितना काम हो रखा है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। और ये देखिए आगे आपको बोर्ड पे, यहाँ से मुगल सराय की दूरी 6 किलोमीटर है और चंदौली 23 किलोमीटर। ये देखिए आगे आपको पूरा अपडेट में दिखाता हूँ। तो आपको बता दें कि यह सड़क जो है 11 किलोमीटर लंबी है और इसमें कुल 328 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। और इसमें पूरा मतलब व्यवस्था रहेगा, बीच में डिवाइडर बनेगी, उसमें पौधारोपण होगा, लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पानी निकासी के लिए भी नाली बनाई जाएगी, फुटपाथ भी बनाया जाएगा। तो मतलब पूरा सुख सुविधाओं का मतलब ध्यान रखा गया है। तो ये जब पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा तो लोग राहत की सांस महसूस कर सकते हैं, जो लोकल लोग हैं उनको भी, और जो बाहर जाते हैं दूर उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी डेडलाइन 18 महीने रखी गई है और इसका निर्माण 2-3 महीने पहले ही चालू हो गया है। तो आप मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव होना है 2024 मई में, उससे पहले पहले ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और इस रास्ते में आप देखिए ना कि बहुत ज़्यादा पेड़ हैं दोनों साइड, तो इन सब पेड़ों को भी काटा जाएगा, और जो बिजली बिजली के खंभे हैं उनको भी अभी वैसे ही छोड़ा गया है, तो उन सबको भी शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये ट्रक जो है इस पार से उस पार जाती हैं, और यही मतलब जाम का मुख्य कारण यहाँ पर बनता है। पूरे रास्ते में आपको दिख रहा होगा कि काम एकदम तेज़ गति से चल रहा है। तो आपको दुल्हीपुर तक, उससे पहले तक ये पूरा काम दोनों साइड से, ये देखिए खुदाई कर दी गई है इधर, और अभी जो मुख्य काम है आपको पड़ाव के पास अभी चल रहा है। और अभी ये सब हो जाएगा तो इसके बाद फिर इस पर गिट्टी उट्टी बिछाई जाएगी, इसको समतल किया जाएगा, और उससे पहले मेरे ख्याल से दोनों साइड में नाली बनेगा। जब नाली उली बन जाएगा उसके बाद फिर ये आगे प्रोग्रेस होगा। तो जो बाकी की सड़कें आपने वही देखा है, उसी तरह से काम हो रहा है, पहले नाली बनता है उसके बाद उसके आगे का काम होता है। दोस्तों अब हम लोग दुल्हीपुर के पास थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं अपना वीडियो ये समाप्त कर दूंगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।